20 जुलाई 1969 दुनिया के इतिहास की वो पहली तारीख थी जिस तारीख को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मिशन अपोलो 11 से इंसानों को पहली बार चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंडिंग कराई थी। इस मिशन में कुल 3 व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग, वज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस। नील आर्मस्ट्रांग मिशन को कमांड कर रहे थे, वज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल के पायलट थे जिस पर सवार होकर चांद पर उतरे थे और माइकल कमांड मॉड्यूल को लेकर चांद के चक्कर काट रहे थे। इंसानों की चांद पर कदम रखने की पूरी प्रोसेस को लाइव टेलीकास्ट किया गया था जिसे लाखों करोड़ों लोगों ने टीवी पर देखा था। जाहिर है कि आज से 54 साल पहले जब सभी देश ये मानते थे कि चांद तक किसी इंसान का पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मगर सारे देश के इस भ्रम को तोड़कर नासा सफलतापूर्वक इंसान को चांद की सतह पर उतार दिए तो नासा के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन खेल तब बदल गया जब लोग ये साबित करने लगे कि असल में नासा चांद तक गया ही नहीं था, बस चांद तक जाने का एक नाटक किया और लोगों को बेवकूफ बनाया। इस पूरे मिशन को झुठलाने वालों ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसे सुनकर आप भी मान जाएंगे कि नासा ने तो सच में लोगों को बेवकूफ बनाया है। असल में नासा ने किसी बड़े स्टूडियो में ग्रीन स्क्रीन के सामने इस नाटक को अंजाम दिया जिस पर चांद के VFX लगाकर लाइव टेलीकास्ट किया गया और इस अफवाह को उस समय और ज्यादा हवा मिल गई जब 1976 में नासा के ही जनसंपर्क विभाग में काम करने वाले व्यक्ति बिल केसिंग ने वी नेवर ऑन टू द मून नाम की एक किताब लिखा जिसमें उसने वो सारे सबूत दिए जिसे पढ़कर लोगों को यकीन हो गया कि सच में नासा तो लोगों को बेवकूफ बनाया है। जानेंगे सारे सवालों को और साथ ही नासा के वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए जवाबों को भी जो सारे सवालों को संतुष्ट कर देता है। बस वीडियो को अंत तक देखिए। सवाल नंबर 4, सब जानते हैं कि धरती से बाहर चांद पर कोई वातावरण नहीं है तो फिर चांद में हवा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर जब नील आर्मस्ट्रांग और वज एल्ड्रिन चांद पर अमरीकी झंडा गाड़ रहे थे तो फिर बिना हवा के झंडा लहरा क्यों रहा है, जबकि इस तरह से झंडे को धरती पर लहराने के लिए तेज हवा की जरूरत पड़ती है। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सच है, लेकिन इस सवाल का जवाब भी काफी संतोषजनक है। असल में जिस झंडे को लेकर नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे वो झंडा स्पेशली डिजाइन था। आमतौर पर सभी झंडे में एक लंबी वर्टिकल रॉड लगी होती है, पर इस झंडे में एक दूसरा रॉड भी ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल में लगी हुई थी ताकि झंडा हमेशा लहराता दिखे। नासा में काम करने वाले सारे वैज्ञानिक जानते थे कि चांद पर हवा नहीं है और अगर इसमें सिर्फ ऑर्टिकल रॉड डाला जाए तो ये झंडा इस रॉड से सटा रह जाएगा। और जहां तक झंडा हिलने की बात है तो आपको बता दें कि अगर आप चांद पर हिलते हुए झंडे के किसी भी वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा जब नील आर्मस्ट्रांग और वज एल्ड्रिन अपने हाथ से झंडा को पकड़कर हिलाते हैं तभी ये हिलता हुआ दिखता है। और दूसरी बात ये भी है कि झंडे को एक्सटेंड करने में दिक्कत हो रही थी जिससे झंडा पूरी तरह एक्सटेंड नहीं हो पाया था तो झंडे में थोड़ी सी रिपल आ गई, यही वजह है कि आपको लगता है कि झंडा तो लहरा रहा है। सवाल नंबर 3, अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको चांद की सतह के बाहर सिर्फ काला आसमान दिखाई देगा जिस पर एक भी तारा का नाम निशान नहीं है। आसमान के सभी तारे किधर चले गए? इस सवाल पर भी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मगर इस कंफ्यूजन को दूर करने की कई वैज्ञानिक तथ्य है। चांद की सतह बेहद चमकीली है। नील आर्मस्ट्रांग और वज एल्ड्रिन जिस जगह चांद पर उतरे थे उस समय उस जगह पर दिन था। हम सब जानते हैं कि तारों की रोशनी इतनी कम होती है कि दिन के समय में हम धरती से किसी तारा को देख नहीं सकते, यही होता है चांद पर भी। तारों की टिमटिमाहट पर चांद की चिकनी चमकीली सतह भारी पड़ जाता है। तारे तो चमकते हैं पर दिखाई नहीं देती है। अब रही बात कि आसमान काला क्यों दिखाई दे रहा है, आपको बता दें कि आसमान का असली रंग तो काला ही है। धरती का अपना वातावरण है और जब इस वातावरण में सूरज की नीली रोशनी फंस जाती है तो फिर आसमान नीला दिखता है। धरती से बाहर स्पेस स्टेशन में पिछले 25 सालों से रहने वाले सभी साइंटिस्टों ने भी यही कहा है कि आसमान काला दिखाई देता है क्योंकि धरती से बाहर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और चांद पर भी, इसलिए चांद से हमेशा आसमान काला ही दिखता है। सवाल नंबर 2, चांद पर उतरने की पूरी वीडियो को लाइव टेलीकास्ट किया गया जिसको करोड़ों लोगों ने देखा, मगर वीडियो में तो किसी जगह कैमरा नजर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? जवाब बहुत सिंपल है। असल में कैमरा कहीं और नहीं बल्कि नील आर्मस्ट्रांग और वज एल्ड्रिन के स्पेस शूट में लगा हुआ था जिसको वो खुद ही कंट्रोल कर सकते थे। तो आपके मन में एक दूसरी बात भी आएगी कि जब दोनों झंडा गाड़ रहे थे उस समय की वीडियो किसने की? तो जवाब है कि लूनर मॉड्यूल में ऑलरेडी मल्टीपल कैमरा फिट था ताकि हर एक कोण से चांद की नजारा को देखा जा सके। सवाल नंबर 1, आखिरी सवाल जो आजकल पूछा जाता है, 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं चांद पर जाना,
नासा ने आज तक दोबारा चांद पर किसी को क्यों नहीं भेजा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी राज छुपी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस पूरे मिशन को प्लान करने की वजह सिर्फ एक लड़ाई थी। उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और दोनों देश के बीच स्पेस में जाने की कंपटीशन चल रहा था, जिसमें सोवियत यूनियन काफी आगे निकल गया। सोवियत यूनियन अमेरिका से पहले ही सैटेलाइट और इंसान दोनों को स्पेस में भेज चुका था। ये बात अमेरिका हजम नहीं कर पाया और सोवियत यूनियन को पीछे छोड़ने के लिए ये प्लान तैयार किया गया कि हम इंसानों को चांद पर भेजेंगे। किसी तरह सोवियत यूनियन को पीछे लाना था, चाहे खर्चा कितना भी हो। इस मिशन को पूरे तरीके से तैयार होने में अमेरिका को बहुत ज्यादा खर्चा पड़ा। उसी समय अमेरिका को 1300 करोड़ का बजट इन्वेस्ट करना पड़ा। ये पैसा इतना ज्यादा था कि इससे हार्वर्ड साइज के 120 यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो सकता था। इतने पैसों के खर्च के बाद नासा का फंडिंग घट गया है। यही कारण है कि नासा इंसान को दोबारा चांद पर भेजने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इसी तरह की जानकारी से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और हाँ, लाइक और शेयर तो करना ही है।